दुनिया भर में डर और दहशत का माहौल बनाने वाले कोरोना वायरस का असर अब हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है। अकेले भारत में इस वायरस के 100 से ज़्यादा मामले आए हैं। इसके बाद हिंदुस्तान के लोग भी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत के अलावा कई देशों ने अपने स्कूल, सरकारी कार्यालय, परिवहन के साधन और बाजार बंद कर दिए हैं। हालांकि भारत में कोरोना अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर एहतियात बरतते हुए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो जरूरी चीज़ें थी उन पर अभी पाबंदी लगा दी है, जिसमें खास तौर पर स्कूल, कॉलेज और कुछ बाजार शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बना हुआ है। ऐसे में कुछ लोग मामूली खांसी जुकाम को भी कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के अंदर 5 बड़े अस्पतालों को कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए अधिकृत किया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर ये 5 बड़े अस्पताल आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। आप यहाँ पहुंचकर अगर आपको लगता है कि आपका फ्लू या आपको होने वाले सर्दी, खांसी और जुकाम सामान्य नहीं हैं, ये लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, तो ऐसे में आप इन 5 जगहों पर जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो 5 अस्पताल कौन से हैं। इन अस्पतालों में दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे निकट का मेट्रो स्टेशन उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन है। और अगर आप बाहरी दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप सूरजमल मेट्रो स्टेशन या फिर पीरागढ़ी मेट्रो स्टेशन पर उतरकर इस अस्पताल तक आसानी से जा सकते हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली के अंदर लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को भी चिन्हित किया गया है, मतलब यहाँ पर भी आप कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं और अपना चेकअप करवा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जाना चाहते हैं तो यह कल्याणवास कॉलोनी में पड़ता है, जो कि मयूर विहार फेज 2 के नज़दीक है। इसमें आप इस तक पहुंचने के लिए मेट्रो का भी सहारा ले सकते हैं। सबसे पास का मेट्रो स्टेशन मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है। और अगर आप दिल्ली के बाहर से आते हैं, खास तौर पर अगर आप वैशाली या गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो भी आप अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन या निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास उतरकर इस अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे अस्पताल की। तीसरा अस्पताल रोहिणी में है, जिसका नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल है। ये रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास है। इस अस्पताल में भी कोरोना वायरस से जांच के लिए तमाम तरह के जो टेस्ट हैं उनकी सुविधा दी गई है। लोग यहाँ पर रिठाला मेट्रो पर उतरकर भी इस अस्पताल तक जा सकते हैं, पैदल ही लोग अंबेडकर हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम तरह की रोड कनेक्टिविटी हॉस्पिटल तक बनी हुई है। आपको बताएँ कि यमुना पार में चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जो कि गीता कॉलोनी इलाके में स्थित है, इस अस्पताल में भी कोरोना वायरस से टेस्ट के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इसके निकट का मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन है। इसके साथ साथ निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन और सीलमपुर मेट्रो स्टेशन भी चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के बेहद नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है। अब बात करते हैं आखिरी अस्पताल की। ये अस्पताल है बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल। ये दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थित है। जहांगीरपुरी दिल्ली के आउटर इलाके में पड़ता है और यहाँ पर आप बस के साथ साथ जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन यानी कि मेट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, हैदरपुर बादली मेट्रो स्टेशन और आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर आप जहांगीरपुरी के इस हॉस्पिटल यानी कि बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो अधिकृत लोग हैं वो पूरी तरह से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की जांच कर सकते हैं। इनके पास तमाम तरह के उपकरण हैं, ये बता सकते हैं कि आपको कोई सामान्य फ्लू है या फिर कोरोना के वायरस से आप पीड़ित हैं। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, दिल्ली सरकार लोगों के लिए जो तमाम तरह की सुविधाएँ उपलब्ध करा सकती है, सरकार उस पर गंभीरता से काम कर रही है। हमने आपको लिस्ट बताई है जहां पर 5 बड़े अस्पताल है जहां पर उपचार हो सकता है। इसके साथ साथ कौन सा मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है, इस खबर के माध्यम से उसकी भी जानकारी दी गई है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कोरोना को लेकर, और ये भी कहना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की अफवाह का हिस्सा ना बनिए। अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी, खांसी या जुकाम है, आपके गले में कफ है या आपको
कोरोना वायरस के लक्षण से मिलता जुलता कोई भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखता है तो इन 5 अस्पतालों का रुख कीजिए और अपने शरीर का चेकअप कराइए। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।